प्रोजेक्ट आने वाला है, अब तक आ चुका होता पर लॉकडाउन की वजह से डिले हो गया। एंड मैंने NDA साइन करा हुआ है नॉन डिस्क्लोजर, तो उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर सकता, पर हाँ बहुत ही जल्दी शूटिंग शुरू होने वाली है। आई थिंक और 10-12 दिन में शूटिंग शुरू हो जानी चाहिए। आई थिंक काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है और मेरी लाइफ का अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। खतरों के खिलाड़ी ट्रेंडिंग में ट्रेंड चल रहा है सोशल पे, इसको सपोर्ट कर रहे हैं सर। कौन सा ट्रेंड चला रहे हो भाई? नहीं सोशल पे सब जाने इसको सपोर्ट कर रहा है। खतरों के खिलाड़ी नहीं, क्योंकि वो बहुत वहाँ के पिक वायरल कर रहे हैं, वहाँ पे सब जीवन का है। खतरों के खिलाड़ी में अगर खिलाड़ी वाइज देखा जाए तो वो जो छोटी बच्ची है ना उसमें अनुष्का, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि एक तो सबसे छोटी है जूनियर और मुझे लगता है कि छोटे बच्चों में थोड़ा यू नो डर भी कम होता है, तो मुझे लगता है कि वो अच्छी खेलेगी। एंड आई विश हर ऑल द बेस्ट। और बाकी दूसरा अभिनव को सपोर्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है बंदा थोड़ा दमदार है तो खतरों से खेल जाए। ओके सर, फोटो सर पलपुरी रेस का थोड़ा क्वेश्चन है, पलपुरी का कल बेल मिल गया, क्या बोलना चाहेंगे? यार देखो, पर्ल को बेल मिल गई बड़ी अच्छी बात है, पर मुझे अपने देश के सिस्टम पे, अदालत पे पूरा भरोसा है। अगर गलती हुई है तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, और अगर गलती नहीं हुई है तो बाइज्जत बरी हो जाएंगे। इसमें ये बड़ा ही एक सेंसिटिव मैटर है और इसको कोर्ट ही डील करे तो ज़्यादा बेटर है। हम लोग कोई नहीं है बताने वाले कि वो सही है या वो गलत हैं, मैं तो उनको पर्सनली जानता भी नहीं हूँ, पर जो लोग जिन लोगों ने उनके साथ काम किया है, जो उनको पर्सनली जानते हैं, आई थिंक वो उनको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पर्ल ऐसा नहीं कर सकते, तो मे बी उन्होंने ना किया हो, यू नो, बट बाकी कोर्ट बताएगा और ऊपर वाला बताएगा। ओके हेलो मैम, टिम से हेलो टू एवरीवन। हाय टिम, हाय टिम, हाय क्या हाल है? बस आप बताओ। एक थोड़ा सा मार्क्स एक बार निकल, हम लोग वैक्सीन ले लिए, वैक्सीन ले लिए, हाँ सब वैक्सीन लिए हुए यहाँ पे। टिम ने वैक्सीन नहीं लगाई यार, टिम की वैक्सीन नहीं हुआ है। सर थोड़ा सा क्लोज, हाँ